बैक अगेन टू टाक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री अर्निंग मेथड्स की जानकारी, सो दैट कि हम उन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करें, यहां पे जो भी टास्क है, स्टेप्स हैं, उनको कंप्लीट करें और आने वाले 1 से 2 महीने में फ्री अर्निंग हम करें। बैक टू बैक जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं सब आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहे हैं, जहां पे हम उन प्रोजेक्ट से जुड़ के उनको एज अ टाइम दे के टास्क कंप्लीट करके हम वहां से रिवॉर्ड ले पाएं। तो अगर आप किसी भी वीडियो को मिस कर रहे हैं तो पहले तो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट के किसी टास्क को कंप्लीट करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और उससे भी बेटर चीज़ यह है कि जब आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद अपडेटेड भी रहना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम टाइम पे जब भी कोई प्रोजेक्ट अपना रिवॉर्ड देने वाला होगा उससे पहले अपडेट जरूर आएगी, चाहे किसी वॉलेट सबमिशन किया है, चाहे कोई फॉर्म भरने किया है, कुछ भी हो आपको वहाँ पे अपडेट रहना होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे एयरड्रॉप के लिए। जिसको आपको ज्वाइन करने के लिए टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे कि कोई भी प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है, जो रिवॉर्ड है, उसके लिए आप इनएलिजिबल ना हो पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं, आज भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे साथ साथ ही इन टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, रिवॉर्ड कंफर्म्ड है। तो आ जाते हैं प्लेटफॉर्म की साइड, जो कि है यहां पर सिट्रा। सिट्रा की बात करें तो यहाँ पे इनका डेवनेट जो है वो अभी लाइव हुआ है और काफ़ी फेजेस चलने वाले हैं इनके टेस्टनेट के ऊपर। बट आप अगर इनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट को चेकआउट करें तो 11 जुलाई को यहाँ पर इनकी एक अनाउंसमेंट आई थी, जहाँ पे इन्होंने कुछ डेवनेट टास्क जो हैं अपने गैलेक्स पे ओपन किए थे। अब आप कहेंगे कि क्यों हमें इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। सो गाइज, अभी इनका जो इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि डेवनेट स्टेज में है, डेवनेट से मिननेट में जाने में आप सबको पता है, हम इतने टाइम से क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं, हर एक प्रोजेक्ट जो है उसको टाइम लगता है। पर जब हम इनिशियली किसी प्रोजेक्ट में जुड़ जाते हैं तो वहाँ से हम ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देके उनके सपोर्टर बन के एक अच्छा अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो हर चीज़ की अनाउंसमेंट के लिए आपको उनके डिस्कॉर्ड और ट्विटर पर एक्टिव होना होगा। बाकी आप फंडिंग देख लीजिए, $2.7 मिलियन की फंडिंग इन्होंने अभी इनिशियली यहाँ पे रेज की है और इनके पार्टनर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में और भी फंडिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ये टेस्टनेट है वो यहाँ पे बिटकॉइन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। तो अभी इनका जो फेज़ चल रहा है उस बेस में बात कर लेते हैं, जो डेवनेट फेज़ है और जिसके लिए आपको गैलेक्स इनका ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पे बैक टू बैक फेजेस आते रहेंगे, तो आपको यहाँ पे हमसे जुड़े रहना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहना है। 11 to 18 जुलाई तक यहाँ पे इनका ये फर्स्ट वाला क्विज चल रहा है, जहाँ पे ये इनका फेज़ 1 बोलेंगे हम, फिर इनका फेज़ 2 जो है वो 25 से 1 अगस्त तक, फिर फेज़ 3 भी यहाँ पर आएगा 15 अगस्त तक। हो सकता है और फेजेस भी हमें देखने को मिले, पर इनिशियली हमें इस प्रोजेक्ट से अभी जुड़ जाना है। तो ज्वाइन करने के लिए इनके फेज़ 1 को आपको आ जाना है इनकी गैलेक्स पेज पे, जहाँ पे आपको क्लियरली ऊपर ही दिख जाएगा कि सिट्रा के बारे में इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर फेज़ 1 है और इन्होंने कहा है कि ये डेवनेट है अभी, जिसको यहाँ पे कुछ टास्क को कंप्लीट करने पर आपको जो यहाँ पर NFT मिलने वाली है वो 2 स्लाइस ऑफ सिट्रा लोगो NFT यहाँ पर रहने वाली होगी, जो कि डेवनेट पे पार्टिसिपेशन का आपका एक पैच रहेगा, जिसके बदले में आपके लिए फ्यूचर में रिवॉर्ड्स जो हैं वो अनलॉक एंड और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं इसको, 18 जुलाई तक का टाइम है, तो आज और कल का टाइम है, तो वीडियो को फटाफट वॉच करके, लाइक करके, कमेंट करके अच्छा सा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला टास्क इसमें ये रहता है कि गैलेक्स रैप 3 स्कोर, इम्यूनिटी स्कोर जो है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, या फिर आपका जो भी वॉलेट कनेक्ट हो या जिससे भी आप गैलेक्स के टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उसमें गैलेक्स पासपोर्ट V2 के होल्डर आप यहाँ पर होने चाहिए। तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, इम्यूनिटी स्कोर के लिए आपको यहाँ पे आपको स्कोर अगर चेक करना है आपका यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी में आइएगा, यहाँ से आपको पासपोर्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे स्कोर आप मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कोर का स्कोर के लिए तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप यहाँ पे अपना स्कोर जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन के नेटवर्क पे, पॉलीगॉन या USDT 5 USDC से यहाँ से एक्सटेंड कर लीजिएगा, आपका स्कोर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल टास्क है, लाइक आपको फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, रोल लेना है एंड क्विज। इसके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वैसे इजी हैं, आप भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आ जाता है यहाँ पे मेन टास्क, जो कि इनका फेज़ 1 का रहेगा, वो है यहाँ पे ब्रेस करना। तो ब्रेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है,
सो गाइज इस तरीके से आपके पास में पेज आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन होगा, जो कि आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर होगी कि नेटवर्क जो है वो सिट्रा डेवनेट का ही आपका होना चाहिए। तो सिट्रा नेटवर्क अगर आपके मेटामास्क में ऐड नहीं है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होने आ जाएगा, आपको जस्ट उसको स्विच कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या आएगा, जनरेट न्यू का ऑप्शन आएगा, मतलब यहाँ पे क्या है आपका टैप रूट का एड्रेस जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा। तो सिंपली आपको जनरेट के सेक्शन पे क्लिक करना है। जनरेट के सेक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास में आपका इस तरीके से आ जाएगा डाउनलोड का, आपको डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक करना है। देन सिंपली आपके पास इस तरीके से पेज आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये आपका टैप रूट का एड्रेस रहेगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका डिपॉजिट फ्रॉम फॉसेट के सेक्शन पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक फॉसेट जो है वो आपको वॉलेट में मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो डिपॉजिट फॉसेट के सेक्शन पे क्लिक करते ही फॉसेट आपको मिल जाएगा। सो गाइज ऑटोमेटिक आपको देखो यहाँ पे BTC इस तरीके से मिल जाएगा। अगर आपके पास एरर आए या BTC फॉसेट नहीं मिल पाए तो आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद में ट्राई कीजिएगा अगेन अगेन। मैंने भी 5 to 6 टाइम यहाँ पे ट्राई किया, उसके बाद में मुझे यहाँ पे फॉसेट मिल गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है वो फॉसेट ले सकते हैं। जैसे मैंने इतनी बार लिया फॉसेट लगातार, तो मेरे पास यहाँ पे फेल दिखा रहा था, बट जब एक ट्रांजिशन यहाँ पे कंप्लीट हुई ना तो सारे के सारे हिस्ट्री यहाँ पर आ गई कि ये भी फॉसेट अभी वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए मिलने में, बट मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में जब फॉसेट आपको मिल जाए, विड्रॉ टू बिटकॉइन के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको टैप रूट का एड्रेस देना है जो अभी जनरेट हुआ था, तो टैप रूट का एड्रेस मैंने कॉपी करवाया था आपको, सेम वही एड्रेस आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, विड्रॉ 0.01 CBTC के सेक्शन पे क्लिक कर देना है, आपके वॉलेट में यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगी। और फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे विड्रॉ करेंगे ना तो कम से कम यहाँ पे 0.0214 BTC जाएगा। इट्स मीन कि आपको वन टाइम में कितना मिल रहा है, 0.01, ठीक है। तो आपको कम से कम 3 से 4 बार पहले CBTC का फॉसेट कलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कलेक्ट किया हुआ है। देखिए एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है, बाकी की अभी चल रही है। तब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो मेरे पास सफिशिएंट फंड आ जाएगा CBTC का, सो दैट कि मैं यहाँ पर विड्रॉ टू बिटकॉइन वाला टास्क जो है वो कर पाऊंगी और ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो ये कर लीजिएगा, टास्क थोड़ा टाइम ले रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट करना है, एंड डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट भी आपको यहाँ पे रिमिक्स पे करना है। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू फाइल पे। आपको स्टोरेज यहाँ पे जो भी नेम देना है आप दे दीजिएगा, जैसे मैंने storage.soul दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारी की सारी कोटिंग आपको, या फिर आप ओपन ज़ेप्लिन पे यहाँ पे आइएगा। आप अपने टोकन का नेम जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रखिएगा, एंड सिंपली यहाँ पर मैं दे देती हूँ। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, मिंटेबल परमिटेबल मैंने यहाँ पे रख लिया है। अभी आपकी पूरी की पूरी ओपन इन रिमिक्स के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो एज इट इज़ ये ओपन होके आ जाएगा। आपको कंपाइल के सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, देन इसके बाद में आपको नीचे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे रखना है इंजेक्टेड मेटामास्क। मेक श्योर कि आपका सेट्रिक का नेटवर्क ही आपके मेटामास्क वॉलेट में होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो आप अपनी ही मेटामास्क वॉलेट को कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा, डिप्लॉय के सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फीस आपकी यहाँ पे सेट्रिक के नेटवर्क से ही जानी चाहिए, CBTC में ये कम है, ये इजीली हो जाएगा आपका, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट आपका डिप्लॉय हो गया। तो बस इतना ही टास्क आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो जो इन्होंने गाइड में बताया है मैंने सब आपको यहाँ पर बता दिया है। बस आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जो आएगी ना वो सिर्फ और सिर्फ आने वाली है यहाँ पे फॉसेट के लिए, प्रॉब्लम भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। ये मेरे पास 10 मिनट्स में आ गया था, बाकी देखिए अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो जब ये शाम तक आ जाएंगे मेरे पास, तब मैं यहाँ पर विड्रॉ BTC के सेक्शन में आके एक बार इसको विड्रॉ कर लूँगी। जैसे ही ये ब्रिज वाला टास्क मेरा कम्प्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्लेम फेज NFT जो है वो आपके सामने मेरे पास हो गया। सारे टास्क आपको करके बता दिए, सेम इसी तरीके से आप टास्क कर लीजिए। 18 तक का टाइम है, आप अभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एयरड्रॉप न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।